क्या डीआरडीओ में होने वाले ये बड़े सुधार भारतीय रक्षा को कमजोर करेंगे? जानिए कैसे वैज्ञानिक उठा रहे हैं सवाल और कौन है इसके पीछे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में हो रहे बड़े बदलावों के बारे में और क्यों इसने एक बड़े विवाद को जन्म दिया है। डीआरडीओ में सुधार का प्रयास। डीआरडीओ भारत का प्रमुख रक्षा अनुसंधान संगठन लंबे समय से प्रणालीगत समस्याओं से जूझ रहा है, जिससे परियोजनाओं में अत्यधिक देरी और लागत में वृद्धि होती रही है। इस स्थिति को सुधारने के लिए के विजय राघवन समिति ने जनवरी 2024 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, लेकिन इस रिपोर्ट ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है, क्योंकि कुछ वरिष्ठ रक्षा वैज्ञानिक इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। डीआरडीओ की उपलब्धियां और चुनौतियां। डीआरडीओ ने कई महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल की है, जैसे कि अग्नि और प्रलय मिसाइलें, हल्का लड़ाकू विमान तेजस और अर्जुन टैंक। लेकिन कई परियोजनाएं भी देरी का शिकार हुई है, जैसे एलसीए मार्क, एलसीए नेवी एयरक्राफ्ट, कावेरी इंजन और तपस BH-201 ड्रोन। फरवरी 2023 में रक्षा मंत्रालय ने संसद को बताया कि 55 उच्च प्राथमिकता वाली मिशन मोर परियोजनाओं में से 23 पीछे चल रही है। विजय राघवन समिति की सिफारिशें। समिति ने डीआरडीओ में व्यापक संरचनात्मक, परिचालन और मानव संसाधन परिवर्तनों की सिफारिश की है। इसमें डीआरडीओ को प्रधानमंत्री कार्यालय PMO के अधीन लाना, सशस्त्र बलों को अधिक अधिकार देना और निजी रक्षा क्षेत्र को बड़ी भूमिका देना शामिल है। इन सिफारिशों ने कुछ वरिष्ठ वैज्ञानिकों को असंतुष्ट कर दिया है, जिन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर अपनी चिंताएं व्यक्त की है। वैज्ञानिकों का विरोध। वैज्ञानिकों का मुख्य विरोध डीआरडीओ को PMO के अधीन लाने और निजी रक्षा क्षेत्र को बड़ी भूमिका देने पर है। वैज्ञानिकों का मानना है कि डीआरडीओ को अपनी वर्तमान संरचना में सुधार करने की बजाय इसे पूरी तरह से बदलना जोखिम भरा हो सकता है। भविष्य की रणनीति और सुधार। रिपोर्ट में डीआरडीओ की संरचना को बदलने, विभिन्न प्रयोगशालाओं का विलय करने और रक्षा अनुसंधान में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने की सिफारिश की गई है। इसका उद्देश्य डीआरडीओ को अधिक पेशेवर और उच्च जवाबदेही वाला संगठन बनाना है। विवाद का असर। असर। विजय राघवन समिति की रिपोर्ट में सुझाव दिए गए हैं कि डीआरडीओ को अब केवल अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जबकि उत्पादन और आगे के विकास के काम निजी उद्योगों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सौंपे जाने चाहिए। इससे वैज्ञानिकों के बीच चिंता बढ़ गई है कि उनके वर्षों के काम को निजी क्षेत्र को सौंपने से उनकी मेहनत का सही सम्मान नहीं होगा। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये सुधार डीआरडीओ और भारत की रक्षा के लिए सही कदम है, या यह हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत को कम करेगा? हमें नीचे कमेंट में बताएं, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हम जल्द ही एक और रोचक वीडियो के साथ लौटेंगे।